आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से। हे करुणा निधान परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर, इस समय हम तुझे पुकारते हैं। हम सबों को पवित्र आत्मा से भर दे, हमारे मनों को खोल दे, ताकि हम तेरे वचन को सुनकर समझकर छुटकारा पाए और जीवन से भर जाए, महिमा से भर जाए। हे पिता, इसमें हमारी सहायता कर। तेरा वचन समझाने के लिए है, सुधारने के लिए है, सिखाने के लिए है, उन्नति देने के लिए है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हमसे बातें कर, हम सबों के मनों को खोल दे और उंडेल दे पवित्र आत्मा हमारे बीच में दान वरदानों के साथ। हे पिता, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, धन्यवाद तेरी महिमा हो, मसीह यीशु के नाम से आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, आमेन। सो ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो हम सबों के लिए है, आमेन। सो एक विश्वासी को, एक विश्वासी का जो काम है, परमेश्वर ने विश्वासियों को आत्मिक वरदानों के लिए चुना है, ताकि विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का गुण हो, परमेश्वर का स्वभाव हो, परमेश्वर की सामर्थ हो, आमेन। तो जब कोई अविश्वासी एक विश्वासी को देखता है तो वो किसको देखना है? परमेश्वर को। तो हम लोग कौन हैं? हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रकट होना है, परमेश्वर दिखाई देना है, आमेन। तो सुनिए, हम जगत के लिए आईना है, क्या है? आईना की तरह है ना। जब लोग हमें देखें तो किसको देखें? हमें नहीं, यीशु मसीह को देखना चाहिए। हम एक आईने की तरह है। हालेलुया। अविश्वासी लोग यीशु मसीह को देखा है? अविश्वासी लोग यीशु मसीह को देखा है? लेकिन यदि वो हमें देखता है तो किसको देखना चाहिए? लेकिन कैसे देखेगा? हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा बोली के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा। अगर यीशु मसीह नहीं दिख रहा है तो फिर हम यीशु मसीह का चेला नहीं है। इसलिए ध्यान दें, उद्धार पाने के बाद अगला कदम क्या होता है? जब हम उद्धार पा चुके हैं, उद्धार पाने के बाद हमारा जो अगला जीवन है, अगला जो कदम है, वो गाने बजाने में खत्म नहीं होता है। उद्धार पाने के बाद हर एक विश्वासी को परमेश्वर क्या देना चाहता है? प्रेरित 2:17-18 हम पढ़ेंगे आज। प्रेरितों के काम 2:17-18। प्रेरितों के काम 2:17-18। कोई पढ़ दें ऊंची आवाज में जोर से। पढ़िए कोई भी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उधेड़ूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उधेड़ूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमेन। सो इस समय, ये समय कौन सा समय है? अंत का समय है। ये समय कैसा है? ये समय अंत का समय है। और प्रभु कहता है कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेल कर उन्हें चिन्हित करूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा सील करेगा, छाप लगाएगा। जैसे कि जमीन होता है,
जमीन का पट्टा होता है, सबका अपना अपने नाम का होता है ना, बिना पेपर के जमीन नहीं होता है ना। अगर आप दावा कर दिए जमीन मेरा है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, पेपर। वैसे ही जो लोग यीशु मसीह के हैं उनके जीवन में भी चिन्ह होगा, छाप होगा। छाप किसकी छाप लगेगी? पवित्र आत्मा की छाप। जितने लोग यीशु मसीह के हैं उनमें छाप होगी पवित्र आत्मा की। और वचन ये कहता है अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसा करेगा कि हर एक विश्वासी भविष्यवाणी करेगा। आमीन। आप चाहते हैं भविष्यवाणी करना? आपको बाइबल पढ़ना आता है चाहे नहीं आता हो, प्रभु अपनी आत्मा आपके जीवन में उंडेलेगा। आमीन। और आपको कैसा बनाएगा? जैसा यीशु मसीह दिखता है वैसे ही आपको बनाएगा। हालेलुया। तो ये समय जो है, ये समय है कि प्रभु अपना दान अपने वरदानों के द्वारा आपको इस्तेमाल करे। आमीन। एक बार क्या हुआ कि पौलुस कहीं वचन सुना रहे थे, वहां पर 12 विश्वासी थे। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में और उसका 6 वचन में, एक जगह पौलुस सुसमाचार सुनाने गए थे तो वहां पर उनको कुछ यूहन्ना के चेले मिले वहां पर। और जब पौलुस वचन सुनाने के लिए जगह गए वहां कितने विश्वासी थे? सिर्फ 12 विश्वासी थे। और जब उन्होंने यीशु मसीह का वचन सुना, यीशु मसीह को ग्रहण किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, उसके बाद पौलुस ने उन पर हाथ रखे और हाथ रखने पर क्या हुआ? यहां लिखा है 6 पद में, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, पद 6 में 19:6 में, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तब उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। सब लगभग 12 पुरुष थे। आमीन। कितने लोग थे यहां पर और कितने लोग भविष्यवाणी करने लगे? 11, 10, 8 नहीं, सबके सब। ये वही समय है जहां पर आप बैठे हुए हैं अभी। ये समय है जिस जगह पर अभी हम लोग जिंदा हैं। ये समय है कि परमेश्वर अपना सामर्थ आपके द्वारा अविश्वासियों को दिखाएगा। गांव गांव के लोग आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा को दिखाएंगे। आमीन। भविष्यवाणी क्या है? जो कुछ आपके मुंह से निकलेगा वो पूरा होगा, यही भविष्यवाणी है। आमीन। यदि आप किसी के बीमारी के ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं कि आप नहीं मरेंगे, आप चंगे हो जाएंगे, यही भविष्यवाणी है। आमीन। आप मत सोचे भविष्यवाणी किसी का नाम बुलाना है, किसी का जन्मतिथि बुलाना है, नहीं। आप जो कुछ घोषणा करेंगे, बोलिए घोषणा करना भविष्यवाणी। आमीन। यदि आप फेलियर हैं, किसी चीज में फेल हो जा रहे हैं, आप बोलेंगे इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा, आप नहीं होंगे, यही भविष्यवाणी। बारिश नहीं होगा, आप बोलेंगे बारिश होगा, यही भविष्यवाणी। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु आपके मुंह को भविष्यवाणी के वचन से भरेगा इन दिनों में, ये वही समय है। आमीन। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर यीशु मसीह हमारे द्वारा प्रकट करना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन आपके अंदर क्या चाहता है? विश्वास। आमीन। विश्वास। जो कुछ आप विश्वास से दावा करेंगे आपके लिए हो जाएगा। आमीन। क्यों होगा? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और जो कुछ आप बोलेंगे वो हो जाएगा। हमारी योग्यता के वजह से नहीं, हमारे बहुत बाइबल पढ़ने से नहीं, हमारा बहुत उपवास करने से नहीं, हमारा बहुत प्रार्थना करने से नहीं। दान और वरदान परमेश्वर का अनुग्रह है। जैसे कि उद्धार पाने के लिए हमने मेहनत किया था, हमने दान दिए थे, कोई कर्म किए थे? नहीं। उद्धार कैसे मिला हमें? मुफ्त में। वैसे वरदान भी कैसे मिलेगा? मुफ्त में। पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? मुफ्त में। आमीन। लेकिन इन दिनों में प्रभु चाहता है वचन का, वचन को लेकर दावा करें। जैसा वचन कहता है वैसा मानते हैं तो वैसे ही होगा। आमीन। और कुछ नहीं, जैसा लिखा है वैसे बोलेंगे वैसे हो जाए, और कुछ नहीं। वचन ये कहता है कि विश्वासी क्या करेंगे? बीमारों पर हाथ रखेंगे, है ना? मरकुस 16 अध्याय में लिखा है ना कि विश्वासी किस पर हाथ रखेंगे और वो क्या हो जाएंगे?
लिखा है कि बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे तब चंगे हो जाएंगे। बोलिए आप क्या रखेंगे? हाथ। और वो क्या हो जाएंगे? तो आपका हाथ किसका हाथ है? आमेन। ये चंगाई का हाथ है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा देंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। कहां पर लिखा है? विश्वासी का क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन कह रहा हूं, योग्यता है। आमेन। सो इन दिनों में हर काम पास्टर का नहीं है कि पास्टर आएगा, प्रार्थना करेगा, बीमार चंगा होगा। हालेलुया। आप मैं याद करें कि विश्वासी का अधिकार क्या है। आपको अपना अधिकार जानना है कि नहीं? ध्यान दे, हम भारत के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं ना, तो हमें हमारे पास अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है। क्या दूसरा देश का लोग जमीन खरीद के घर बना सकता है? बताइए, ये नेपाल से आकर कोई जमीन खरीद के घर बना सकता है? तो उनको अधिकार है, नहीं है ना? हमें अधिकार है कि हम यहां जमीन खरीद के घर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस देश में हम हैं, हमें बहुत सारा अधिकार सरकार ने दिया है ना, वैसे परमेश्वर ने भी बहुत सारा अधिकार हमें दिया है। हम कब इस्तेमाल करेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमें अधिकार दिया है। किस पर अधिकार दिया है? शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर, पापी स्वभाव के ऊपर, बीमारी के ऊपर, आंधी तूफान के ऊपर, अकाल के ऊपर। ये सब अधिकार किसको दिया है? सब विश्वास करने वाले लोगों पर। आमेन। सब विश्वास करने वाले व्यक्ति को दिया है। हालेलुया। तो ये समय है कि प्रभु अपने वचन से कह रहे हैं कि प्रभु कहता है कि मैं अंत के दिनों में सब लोगों पर, कितने लोगों पर? नहीं सिर्फ 10 लोगों पर। कितने लोगों पर? जो बाइबल पढ़ना चाहते सिर्फ उन लोगों पर। किन लोगों पर? सब लोगों पर। परमेश्वर क्या करेगा? अपना आत्मा, अपना आत्मा बोलने से क्या? पवित्र आत्मा उंडे लेगा। कौन सी आत्मा उंडे लेगा? कौन सी आत्मा उंडे लेगा? और जब पवित्र आत्मा पाएंगे तो क्या पाएंगे? सामर्थ। आमेन। और सामर्थ पाएंगे तो क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले भविष्यवाणी कर रहा था कि अभी हम घर घर जा रहे सुसमाचार सुनाने के लिए, है ना? एक ऐसा समय आ रहा है कि लोग आपके घर में आएंगे सुसमाचार सुनने के लिए। आमेन। लोग आपके घर में आएंगे सुसमाचार सुनने के लिए। समय बदल रहा है। हालेलुया। समय क्या हो रहा है? समय बदल रहा है। ये निराशा का समय नहीं है, ये निराशा का समय नहीं है, यह परमेश्वर की आत्मा में बढ़ने का समय है, ये प्रार्थना में बढ़ने का समय है। हालेलुया। लेकिन हम जो वचन सुनते हैं, बस प्रभु चाहता है कि हम वचन पर चलें। आमेन। हम वचन पर चलेंगे तो प्रभु हमारे साथ चलेगा, यदि हम वचन में नहीं चलेंगे तो प्रभु हमारे साथ नहीं चलेगा। यदि प्रभु हमारे साथ नहीं चलेगा तो कौन हमारे साथ चलेगा? क्यों शैतान चलेगा? क्योंकि शैतान उनके साथ चलता है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। और शैतान स्वर्ग से क्यों गिराया गया? उसने परमेश्वर की आज्ञा, और वे लोग भी जो आज परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, किसके समान गिराए जाएंगे? तो ये आपके हाथ में, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलेगा। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर नहीं चलेंगे, नहीं मानेंगे, तो दुष्ट आत्माएं आपके साथ साथ चले। तो ये आपके हाथ में, क्या आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? एकदम स्पष्ट जीवन है, सब कुछ आपके हाथ में, चाबी आपके हाथ में, जिसके लिए द्वार खोलेंगे वही अंदर आएगा। आप द्वार खोलेंगे पवित्र आत्मा के लिए, वो आपके अंदर आएगा। आप खोलेंगे शैतान के लिए तो वो आपके अंदर आएगा। समझे आप? चाबी किसके हाथ में है? आपके हाथ। इफिसी 4:26 में क्या लिखा है?
और शैतान को अवसर ना दो। किसको अवसर ना दो? कौन ना कौन नहीं देगा? किसके हाथ में शैतान को मौका देना नहीं देना? किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। यदि कोई पाप में गिरता है तो किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? सुनिए, बहुत सारे लोग पाप में गिर जाते हैं, उसके बाद जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? अगर आप सड़क में गाड़ी ठीक से नहीं चलाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो ममता बनर्जी को पकड़ेंगे जाकर कि रास्ता ठीक से नहीं बनाया आपने, मेरा एक्सीडेंट हो गया है? अरे चलाया तुम ठीक से नहीं। अगर हम सड़क के नियम के अनुसार गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो वैसे यदि हम वचन के अनुसार चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। हालेलुया, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु सिर्फ हमें पापों से छुटकारा देने के लिए नहीं आया, वो सारे श्रापों को मिटाने के लिए आया। पहला श्राप मृत्यु का, दूसरा गरीबी का, तीसरा बीमारी का। ये सारे श्रापों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे तो हमारे जीवन में तीन चीजें नहीं होगी, पहला मृत्यु, दूसरा बीमारी, तीसरा गरीबी। ये तीन चीजें नहीं होगी। आमीन। गरीबी दूर करने का एक ही चाबी है, चाहिए चाबी आपको? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप धनवान होना चाहते हो? कितने लोग धनवान होना चाहते हैं? हालेलुया। तो धनवान होने का चाबी चाहिए, खजाने का चाबी चाहिए। भजन संहिता 1:2 पढ़िए, ये खजाने की चाबी है। आमेन। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 1:2 पढ़िए, 2 पढ़िए। फिर से पढ़िए भैया, सब लोग पढ़िए। अच्छा, मेरे साथ पढ़िए आप लोग, सबसे अच्छा रहेगा ना, पढ़िए मेरे साथ। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, ध्यान करता रहता है। आमेन। उसके बाद लास्ट में, मैं 3 क्लास में पढ़ रहा हूं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमेन। सफलता कैसे आती है? परमेश्वर के वचन पर दिन और रात क्या करने से? ध्यान करने से। मोबाइल देखने से सारे दिन थक गए और मोबाइल देखते देखते सो गए, तो आशीष मिलेगा? कमाकर जो आप पैसा अपने हाथ में रखते, वो भी हाथ में, हाथ से क्या हो जाएगा? अगर परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है तो आशीष भी आपके हाथ में रहेगा। यदि परमेश्वर का वचन आपके हाथ में नहीं है तो आशीष भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। प्रभु चाहता है कि उसके लोग आत्मिक उन्नति करें, सब बातों में भले चंगे रहें और सब बातों में उन्नति करें। आमेन। हमारा उन्नति देखकर विश्वासी आकर पूछना है, अविश्वासी लोग आकर पूछना है कि आपका आपका जीवन में इतना उन्नति कहां से आ गया है, नहीं पूछना चाहिए। अगर आप एक गांव में रहते हैं तो आपका जीवन पूरे गांव से अलग दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? पुराने नियम में इजरायली सबसे अलग दिखते थे, सबसे अलग दिखते थे, हर जाति के लोग अलग अलग दिखते थे। उनका देखकर आप बता सकते थे इजरायली है, मिस्री है या फलस्ती है। लेकिन आज यदि हमें बाहर खड़ा कर दें और अविश्वासी को खड़ा कर दें, देखकर बोलेगा विश्वासी है? कोई फर्क है हमारे चलने में उनके चलने में? कोई फर्क है उनके बात करने में हमारे बात करने में? कोई फर्क है उनके घर में हमारे घर में? कोई फर्क है? मैंने कहा फर्क दिखना चाहिए। फर्क कैसे आएगा? जब आपके लोग, आपके घर के लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आमेन।
मत सोचिए कि पैसा यहां से आएगा, नहीं, मैंने कहा उन्नति का सोर्स, उन्नति का सोर्स परमेश्वर का वचन है। आमेन। परमेश्वर ने वादा किया है, यदि तू मेरी आज्ञाओं में चलेगा तो मैं आपके लिए सब कुछ, प्रभु कहता है, आपके लिए करेंगे। वचन ये भी कहता है कि जंगल के शेर भूखे रह जाएंगे, लेकिन मेरा धर्मी जन जो उसका भाई मानता है भूखा नहीं रहेगा। ये वादा है, लेकिन ये कब होगा? जब आप इस पर चलेंगे। आमेन। जब आप चलेंगे आपको आशीष मिलेगा, प्रभु आपको अपने घर का अधिकारी जैसा बनाएगा। आपने देखा बाप संपत्ति किसको देता है? जो बेटा आज्ञा मानता है। पियक्कड़ बेटे को देता है, गाली देने वाले को देता है, जुआ खेलने वाले को देगा? किसको देगा? जो पिता का आज्ञा मानता है, बुरा नहीं अच्छा करता है। तो आप मुझे बताइए, परमेश्वर जो हमारा पिता है हमें अधिकार और संपत्ति क्यों दे? आप खुद सोचिए, समझे आप? तो गरीब बनना हमारे हाथ में है, आशीषित बनना हमारे हाथ में है, परमेश्वर के वरदान में चलना भी हमारे हाथ में है। चाबी किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आप यदि चलेंगे प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आमेन। सब लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे, प्रकाशित होंगे, देखेंगे आपको, गवाही देंगे, आपको देखकर प्रभु में आएंगे। एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा उनके जीवन में कि इनका जीवन ऐसा क्यों है, हम भी तो वही काम करते जो ये काम करता है। ये भी बगान में काम करते, हम भी काम करते हैं, इसको जितना मिलता मुझको भी इतना ही मिलता है, लेकिन इसका जीवन मेरे जीवन से अलग क्यों है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमेन। आमेन। इसलिए वचन कहता है जो व्यक्ति दिन और रात मेरे वचन पर ध्यान देता है, जिसका मन मेरे वचन पर है, मैं उसके काम में आशीष दूंगा। आमेन। आप ऐसे कमाएंगे लेकिन आपका एक रुपया दवाई में खर्च नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। एक अविश्वासी जितना कमाता है उतना आप भी कमाएंगे, लेकिन वो घर नहीं बना पाएगा, आप घर बना पाएंगे। यही है प्रभु की आशीष। आमेन। ये फेवर है परमेश्वर का। प्रभु चाहते हैं इन दिनों में प्रभु आपको आत्मिक वरदानों से भरना, आत्मिक उन्नति में भरना, लेकिन ये आपके हाथ में। आदम और हवा को पाप से बचाने के लिए प्रभु गया था, तो हमें हमारे पास भी आएगा? नहीं। ये परमेश्वर का वचन एक ब्रिज की तरह, ये आपके हाथ में। जितना आप परिश्रम करेंगे वचन में उतना ही प्रतिफल आपको मिलेगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर के वचन में परिश्रम करना सीखिए। जैसे कि हम बिना परिश्रम के रोटी खा पाते हैं, ध्यान से सुनिए, बिना परिश्रम के रोटी मिलेगा तो बिना परिश्रम के आत्मिक आशीष भी नहीं मिलेगा। सिंपल सा थ्योरी है ये। सो आत्मिक जीवन में भी परिश्रम है, नहीं है? आत्मिक जीवन में भी परिश्रम है। इसलिए अगर आप वचन में परिश्रम करने वाले नहीं हैं तो आपके जीवन में आत्मिक आशीषें नहीं होगी, परमेश्वर का वरदान नहीं होगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप एक प्रभु के अगुवा बन जाए। आमेन। एक अधिकारी बन जाए। आमेन। प्रभु चाहते हैं आपको नीचे नहीं, वादा किया प्रभु ने, मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा। आप उधार दोगे नहीं, उधार दोगे, ये वचन में वादा किया हुआ है। लेकिन ऐसा जीवन कब होगा? जब हम वचन में सुनकर चलेंगे। वचन ये भी कहता है कि जो वचन सुनकर नहीं मानता वो अपने आप को धोखा देता है। यदि आप यहां पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और नहीं चलते हैं तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को, परमेश्वर को नहीं, पास्टर को, कलीसिया को। आप किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं। मैंने आईना देखकर भी खुद को धोखा दे रहे हैं आप। तो इसलिए ऐसा बाइबल मत पढ़ो, पढ़कर अपने आप को धोखा मत दो, इस पर चलो। आमेन। अगर हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो कौन हमारे साथ चलेगा? पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलेगा, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा। आमेन। आमेन। तो ये समय जो है, ये समय
निराशा का नहीं है, चिंता करने का नहीं है, गरीबी का नहीं है। आमेन। ये चाबी आपके हाथ में है, ये चाबी आपके हाथ में। हालेलुया, ये चाबी आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए प्रभु ने कहा जो तू चाहते हैं मांग, मैं तेरे लिए करूंगा ना। सब आपके हाथ में, जो कुछ आप वचन से दावा करेंगे प्रभु आपको देगा। आप सफल बनना चाहते हैं, दिन रात इस पर ध्यान दीजिए। जो बच्चे पढ़ा लिखा में कमजोर हैं, उनको बोलो वचन याद करने के लिए, वचन पर चलने के लिए। आपके बच्चे पढ़ाई में भी टॉपर होंगे। आमेन, आमेन। मेरा बेटा सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले सबसे पहले क्या पढ़ता है? बाइबल पढ़ता है। सबसे पहले सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, ब्रेकफास्ट भी नहीं, नाश्ता भी नहीं, ब्रश करने के बाद नेक्स्ट जो है वो है बाइबल, बोलना नहीं पड़ता है। तो सुबह उठेगा, बाइबल पढ़ेगा, और ज्यादा नहीं, अभी 8 साल का है। और पढ़ाई में अभी कुछ दिन पहले टेस्ट हुआ था, हर टेस्ट में 10 नंबर आए उसके, 10 में से 10। हमने उनको सिखाया कि पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ भी करो, सफलता की चाबी परमेश्वर का वचन है। बहुत सारे माँ बाप बच्चों को वचन से दूर कर देते हैं, लेकिन किताब को घुसा देते हैं ज्यादा। बच्चे सफल होंगे? नहीं। अगर आपके बच्चे परमेश्वर के वचन पर मनन करते, ध्यान देते हैं, वह बच्चे पढ़ाई में भी सफल होंगे। आमेन। तो ये चाबी है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, परंतु हर चीज में, शरीर में, आत्मा में, घर में, परिवार में, कमाई में, सब चीजों में। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो चाबी क्या है? परमेश्वर का वचन। आमेन। आइए प्रार्थना करें।